सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकारों की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान स्टार्टिंग से ही नेगेटिव रोल से बनाई है। आपको बता दें कि इन विलन्स की बहुत ही खूबसूरत बेटियां हैं जिनमें से कुछ तो बॉलीवुड में अपना नाम भी बना चुके हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड में विलन का रोल करने वाले कलाकारों की बेटियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति कपूर की। आपको बता दें कि शक्ति कपूर अब से पहले 700 फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलन का और कॉमेडियन का रोल ही किया है। अब अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी एक खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम है श्रद्धा कपूर, जो कि बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत तीन पत्ती मूवी से की थी, लेकिन आपको बता दें कि इनको लाइमलाइट मिली साल 2013 में आई मूवी आशिकी 2 से। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में एक जाना माना नाम बन चुकी है। अब अगर बात करें बॉलीवुड के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा की, तो आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड में हिंदी और पंजाबी मूवीज में काम किया है और अपने 50 सालों में 320 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ज्यादातर फिल्मों में इनका विलन का ही रोल देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्म्स में दोस्त के रोल भी किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनके फैंस को इनका ज्यादातर विलन का ही रोल पसंद आया है। अब अगर बात करें इनकी बेटियों के बारे में तो आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा की तीन बेटियां हैं जिनका नाम है रकिता, पुनीता और प्रेरणा चोपड़ा। दोस्तों इनकी तीनों बेटियां किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं लगती। इनकी बड़ी बेटी रकिता ने फिल्म पब्लिसिटी गेनर राहुल अन्ना से शादी की है और उनकी दूसरी बेटी पुनीता की शादी एक सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है और पुनीता बैंड्रा में प्री स्कूल की मालकिन भी है। अगर अब बात करें इनकी तीसरी बेटी की, तो प्रेरणा ने बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से शादी की है। प्रेम चोपड़ा की तीनों बेटियां बॉलीवुड से बहुत दूर हैं और लाइमलाइट में रहना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब बात करते हैं खलनायक अमरीश पुरी की। तो दोस्तों अमरीश पुरी की दमदार आवाज और उनकी एक्टिंग ने बॉलीवुड में सब बहुत ही दीवाने थे। अगर बात करें उनकी बेटी के बारे में तो बता दें कि इनकी बेटी का नाम है नम्रिता। नम्रिता ने बॉलीवुड को अपना करियर नहीं चुना। नम्रिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ ही वो एक बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। नम्रिता की शादी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन सुरेश बगवा के साथ हुई है। इनके इंस्टाग्राम पे आपको एक से एक डिजाइनर कपड़े देखने को मिलेंगे। नम्रिता बहुत ही सुंदर है और इस लिस्ट में लास्ट नाम आता है कबीर बेदी का। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कबीर बेदी के बारे में। आपको बता दें कि कबीर बेदी बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है और इनको पॉपुलैरिटी मिली इनकी फिल्म खून भरी मांग से। इस फिल्म में इन्होंने विलन का किरदार निभाया था। और आपको बता दें कि इनकी एक बेटी है जिसका नाम है पूजा बेदी। जी हाँ, पूजा बेदी। पूजा बेदी टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है और आपको बता दें कि पूजा बेदी देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के विलन्स की बेटियां बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी लाइमलाइट से बहुत दूर है। सो दोस्तों आपको इन विलन्स की बेटियों के बारे में क्या कहना है हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही सुपर और मजेदार खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।